26 अक्टूबर को मीरा रोड के लतीफ़ पार्क के एफ विंग के रूम नंबर 502 में चोरी हुई थी। उस चोरी के दौरान शिकायतकर्ता ने बताया था कि करीब 4 लाख रुपए नकद, 2 किलो करीब के आसपास में सोना और कुछ अहम दस्तावेज जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड थे, इतना सब वहां से चोरी हुआ है। 27 तारीख को मीरा रोड पुलिस थाने में इस मामले FIR दाखिल होने के बाद में इसकी सूचना लोकल क्राइम ब्रांच को मिली, जिसके चलते लोकल क्राइम ब्रांच एक्टिव हुआ। उसने अपने तरीके से इस पूरे मामले में जांच करना शुरू कर दी। आप लोग सोच रहे होंगे कि मीरा रोड पुलिस थाने में दर्ज यह मामला और मैं यहां पर काशी मीरा के लोकल क्राइम ब्रांच में आकर क्यों आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं। उसकी वजह यह है कि इस मामले में लोकल क्राइम ब्रांच के 19 लोगों की टीम ने जो काम किया है, जो बहुत ही काबिल तारीफ़ है, इसके चलते उसका श्रेय इन लोगों को ज़रूर जाना चाहिए। यही इसके पीछे कारण है कि मैं यहाँ पर आकर आपको ये खबर दे रहा हूँ। आता हूँ मैं असली मुद्दे पर। 27 तारीख को जैसे ही मीरा रोड में इस मामले की FIR दाखिल हुई, लोकल क्राइम ब्रांच की टीम अपने अपने तरीके से एक्टिव हो गई। अपने सोर्सेस का उन लोगों ने इस्तेमाल करना शुरू किया। सबसे पहले उन्होंने फोकस किया उस चावी वाले पर, जो वहाँ पर चावी वाला आकर चावी बनाकर घर खोलने की कोशिश किया। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक जिस चाबी वाले को यहाँ पर लाया गया था, उसे गूगल पे से 50 रुपये उसको उसका पेमेंट दिया गया था, या 50 रुपये उसको हर्जाना दिया गया था, जो कि इस पूरे केस का बाहर निकलने में, जो कि इस केस को सॉल्व करने में बहुत कारगर साबित हुआ। जो कि उस 50 रुपये का ट्रांजेक्शन जो गूगल पे से हुआ था, इस पूरे केस को सॉल्व करने में बहुत कारगर साबित हुआ। लोकल क्राइम ब्रांच ने गूगल पे से जिस अकाउंट से पैसा गया था, उस अकाउंट की पूरी डिटेल छान मारी, तब पता चला कि राहुल चौहान नाम का जो मुख्य आरोपी है इस केस का, जो प्रोफेशनल चोर है, इसके पहले भी उसने कई घटनाओं को अंजाम दिया है और वो बहुत बड़ा ड्रग एडिक्टेड है, यानी नशाखोरा लड़का है, ये उसी ने ही इस पूरी घटना को अंजाम दिया है। राहुल चौहान का एक मित्र जो जुवेनाइल है, जो नाबालिग है, उसने और राहुल चौहान ने मिलकर ये केस को, ये घटना को अंजाम दिया था। लोकल क्राइम ब्रांच के मुताबिक जो हमें जानकारी मिल रही है, उसमें पुलिस ने अब तक मीरा रोड पुलिस ने करीब 500 ग्राम सोना बरामद किया है इस्माइल अहमद नाम के आरोपी के पास से। राहुल चौहान ने इस्माइल अहमद के पास में ये सोना रखने के लिए दिया गया था और बाद में उनका आपस में उसी सोने को लेकर बेचकर पैसा कमाने का उनका इंटेंशन था। हमें जो जानकारी मिल रही है, लोकल क्राइम ब्रांच ने इस पूरे मामले को 24 घंटे के अंदर ही सुलझा लिया है। उसकी जो गुत्थी थी वो उसे पूरी तरह से साफ करके रख दी है कि ये किसी द्वारा करवाई गई ये चोरी नहीं थी, बल्कि जो प्रोफेशनल चोर है वो राहुल चौहान, इसकी शुरुआत से आदत रही है कि वो जो बंद जो घर रहते हैं उनकी वो हमेशा ताक में रहता है कि उसे किसी भी बंद घर का पता चले और फिर वो आगे अपने घटना को अंजाम दे। इस पूरे मामले में पुलिस ने अब तक इस्माइल अहमद को गिरफ्तार किया है, उससे और भी रिकवरी का काम चल रहा है। बाकी एक जो आरोपी है जिसका नाम हम नहीं बता सकते, जो नाबालिग है, उससे भी पुलिस पूछताछ कर रही है। इसके अलावा जो मुख्य जो आरोपी है राहुल चौहान, वो नेपाल अपने गर्लफ्रेंड अपनी प्रेमिका के पास में चला गया है, ऐसी जानकारी लोकल क्राइम ब्रांच और मीरा रोड पुलिस को पता चल रही है। इस मामले में आप जिस आरोपी को इस वक्त देख रहे हैं, ये वही इस्माइल अहमद है जिसके पास में ये सोना बरामद किया है पुलिस ने। कुल मिलाकर इस पूरे मामले की गुत्थी सुलझाने में पुलिस ने सबसे बड़ी जो भूमिका निभाई है वो लोकल क्राइम ब्रांच की टीम ने निभाई है, और लोकल क्राइम ब्रांच के अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से इसकी इन्वेस्टिगेशन करना शुरू किया। किसी ने मोबाइल टावर का लोकेशन के ऊपर काम किया, किसी ने टेक्निकल जानकारी हासिल करने में काम किया, किसी ने लोकल लोगों की मदद से चावी बनाने वाले तक पहुंचने का काम किया। इस तरह से कुछ जो सामने आया है
उसका नतीजा यह है कि मुख्य आरोपी आज पुलिस के पकड़ से दूर है, लेकिन इस मामले की गुत्थी पूरी तरह से सुलझती हुई दिखाई दे रही है। साथ में ही मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से शंका शिकायतकर्ता ने जाहिर की थी हमसे फ़ोन पर, उन्होंने कहा था कि उन्हें शक है असगर पाशा और शेफल पे कि उन्होंने ये चोरी करवाई होगी। प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट पाने के लिए उस एंगल पर भी पुलिस ने जांच पड़ताल की, लेकिन उस एंगल से पुलिस को कुछ खास हाथ लगा नहीं। शिकायतकर्ता की जो शंका थी वो बेबुनियाद यहाँ पर दिखाई दे रही है।